प्रिय भक्तम पादुजातम नमः नीलांबुजश्यामल कौमलांगम Yeah.
पवन सुत हनुमान जी, बोलो भाई सब संतों की जय, संत समाज की जय, नवदे मैया की जय, हर हर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब अयोध्या कांड की रचना चालू करी तो दोहा लिखने पर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधार वरनउ रघुवर विशद जस जो दाय प्रचार। जबकि गुरु महाराज की वंदना वो शुरू से कितनी बार कर चुके हैं, कितनी दान कर चुके हैं। जबकि बालकांड जब शुरू हो रहा था तो दूसरे नंबर को इस लोग तो दद्दा जी ने तिलोवाल में बोलो तो भवानी शंकर बंदे श्रद्धा जाके बाद में गुरु को श्लोक है बंदे बोधव्यम नित्यम गुरु शंकरम यमाश्र तो ही भक्तो की चंद्रा सर्वस्त्र बंदे थे। तो दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पे श्लोक गुरु को है कहा मैं उन ज्ञान दृष्टि देने वाले गुरु महाराज की वंदना करता हूँ, किस प्रकार से करता हूँ तो साक्षात शंकर जी का स्वरूप समझ करके करता हूँ। शंकर जी के मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा विराजमान है, द्वितीय का चंद्रमा विराजमान है तो चंद्रमा टेढ़ हो रहे थे पर चंद्रमा टेढ़ा होने के कारण ही शंकर जी के मस्तक के कारण से और कई जो पूजनीय है तो कई इसी प्रकार से कहीं मेरी कविता में कोई कमी रहे आदि टेढ़ी रहे पर गुरु महाराज की कृपा से कई जैसे शंकर जी के मस्तक को गाजिया जगत गुरु तो कई जिनके मस्तक पर देखो तेरह चंद्रमा भी बंदनी है तो कई मेरी जो कविता जो रामायण रच रहा हो कि यह कविता भी संसार में पूजनी और बंदनी हो जाए। जाके बाद में गुरु गुरु की वंदना करे कि बंदा हूँ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोह तम कुंज और जासु वचन रविकरण करे। कहा मैं हूँ गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कि महामोह अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए और जिनके जो चरण कमल जिस प्रकार से अंधकार के लाने और एक सूर्य नारायण नष्ट कर देता तो मैं इसी प्रकार से गुरु महाराज के जो चरणों की कृपा बंदा गुरु पर जन के पास रूप हरि और महामोह तम कुंज जासु वचन रविकर कहा उनके वचन इसी प्रकार से और जो काम क्रोध लोभ मोह रूपी अंधकार के लिए ऐसे नष्ट कर देता है जिस प्रकार से अंधकार के लिए सूर्य नारायण और दूर कर देता है तो मैं इसी प्रकार से चेला के अंधकारों के लिए गुरु महाराज और जो उनके वचन गुरु का उपदेश माने गुरु जी की शिक्षा और इसी प्रकार से दूर कर देती। जाके बाद में फिर भी गुरु की वंदना करी बनता हूँ गुरु पद पद्म पर आगा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूल में चूरण चारू और सवन सकल भव रज परिवार। कहा हूँ गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ तो कहा जो कि गुरु महाराज के चरणों की रज में और जिस प्रकार से कमल में पराग रहा था उसी प्रकार से जो पराग रूपी जो सुगंध रस देने वाली है पर वो तो चेला हो तो भोरा के समान मनवा जैसे भोरा जैसा फूल को पराग तो कहीं चेला की बुद्धि हो चेला होगा तो गुरु महाराज के चरण रज के पराग का जो पान कर सके अमीय मूल में चूरण चारू सवन सकल हो रोज परिवार का अमृत गरी को काम भी देते गुरु महाराज की चरणों की है अमृत गरी को काम कराता है तो वो इस प्रकार से करते गए या सवन सकल हो रोज परिवार का परिवारों को लोगों को नाम परिवार जो लोगों के परिवारों में कई प्रकार की जो बीमारी हो तो बच्चे परिवार कहा जाता है तो कहा उनकी जो चरणों की रज और जो परिवार के लाने लोगों के परिवार के लाने और सजीवन की जड़ी के समान नष्ट कर दिए थे जिस प्रकार से सजीवन जड़ी 36 प्रकार की बीमारियों का जरूरत है इसी प्रकार से गुरु महाराज की जो चरणों की रज सभी प्रकार के और चेला के प्रसर भूमान अंधकारों को नष्ट करने पर चलत। जाकर बाद में फिर आगे चलकर गुरु मंदिर कर रहे हैं श्री गुरु बदला का मनिगन ज्योति और सूरज जब दृष्टि होगी तब श्री गुरु महाराज के चरण के नखों की वंदना करता हूँ जिनके चरणों की नखों में से ऐसी ज्योति निकलता है
कि जिसकी स्मरण करने से और दिव्यदृष्टि प्राप्त होगा, दिव्यदृष्टि दलन मोहे तम सो सब आंसू और बड़े भाग पर आवे जाऊ। कहा जो मोह रूपी अंधकार को लिए दलन करने को लिए और जो प्रकाश करने वाली है, कहा उस जेना के बड़े भाग्य है जिसके हृदय में तो गुरु महाराज की जो भक्ति और बैठ जाए। दलन मोहतम सो सब आंसू और बड़े भाग पर आवे जाता, जिसके बड़े भाग्य है कि जिसके हृदय में तो गुरु महाराज की भक्ति और जम जावे। विलोचन ही के मिटही दोष दुख भावक नीके, और सूझ ही राम चरित्र मणि मानक गुप्त प्रहत जो जे जय खानक। कहा गुरु महाराज के और जो प्रभाव है सूझ मणि दिव्य दृष्टि ऐसी हो जाते है तो गुप्त प्रहत मानी गुप्त रहस्य है व्यक्ति और दिव्य दृष्टि से आ जाते ज्योतिष हो रखी वो कहा बताते हैं कभी तैयार कल जो हो पाओ आश्रम पाल में कहना पड़ जाए क्योंकि मई हवा पाल में जो हो जाए तो यहाँ से ज्योतिष बताता है तो वह दिव्य दृष्टि में ज्योतिष नहीं प्राप्त हो जाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी केदार में भी गुरु महाराज की जय स्मरण करने से वो जो दिव्य दृष्टि भेजती है कहाँ लिखी है जैसे शर्मा सकल मिले भगवान शर्मा भगवान अयोध्या में सब सुंदर है जाको मैं कोई नहीं जानो गोस्वामी कैसे जान जाए जिन्हें देखो और भी लिखिए जाके दर्शन में चौपाई का लक्ष्मण हूँ कछ मन में न जाना जो कसी जाता भगवान और भी दूसरी जगह और भी जो चौपाई में है जो लिखी गई है का मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने को और रस मित्र भी था को हिंसा कवन विधि हो एक महीना को दिन भाव तो जाको भेदभाव पूरी संसारी मनुष्य नहीं जान पाए पर गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे जान गया जैसे कारण से जान लीजिए जब दृष्टि गुरु महाराज के चरणों की नखों की ज्योति की वर्षा करी थी तो जैसे जान गए तो जथा सब अंजनी अंज दृढ़ साधक सिद्ध सुधार और कौतुक देखे शेर मन भूतल भूल निधान। कहा इनके जो गुरु महाराज के चरणों में और ये ऐसो आनंद को कार्य रूप में सुन रहे थे तो कहे वो जो छिपी हुई वस्तुओं के लाने देख रहे थे जैसे मान लो पर्वतों पर मरियों की खाने छिपी हुई है तो आजकल की जो दुनिया पिंडा याद है कहूंगा कि आंखों का जगह लगाओ देखो दस फुट नीचे टाक पहुंचाने करो ऐसे देख लिए इसी प्रकार को अंदर गुरु महाराज के चरणों की रस्तु अंदर बार करके और उस गुप्त प्रकार जो जो गुप्त भक्ति रूपी मणि है नहीं बाकी लाने संत खोज लिए बाकी लाने संत खोज लिए जैसे वेद पुराण रूपी पुराण वेद पुराणों रूपी पहाड़ों में जो भक्ति रूपी मणि छिपी है उनके लाने संत को और खोज करके निकाल लेते हैं। जब गुरु महाराज की विशेषता है तो गुरु महाराज की जय नर गुरु ये नर गुरु जो मनुष्य और जो गुरु के जो रंग जो नरधा जो मनुष्य गुरु के और चरणों के रेणु के लाने और अपने श्रद्धा कर लेते हैं केतन सकल विभव बस करेंगी कहा ऐसे व्यक्ति सारे संसार को वैभव और अपने प्रसिद्ध कर लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में भी लिखो कि गुरु में तो भाव नहीं देता रही ना कोई और चाहे ब्रह्मा शंकर हुई कहा बिना गुरु के और भाव सागर के लिए मनुष्य नहीं कर सकता और चाहे वो ब्रह्मा के समान और शंकर के समान ज्ञानी क्यों ना हो जाए पर गुरु के बिना जो भाव सागर समान आवागमन के चक्कर से और मुक्ति के लाने नहीं प्राप्त कर सकता तो पार्वती जी के लाने सप्तऋषि बहकावे के लाने गए शंकर जी ने रिवाय जितनी प्रेम की परीक्षा जो सच्ची तपस्या करी मेरे मन से वैसे ही करी तो पार्वती जी से जिनने उल्टी सीधी बात करी बच्चों की कहने से सती को विवाह हो मनोबिन मन न करो अब सुनी सोवत सोच नहीं भीख मांग भाव खाए वो सदा एकाक के भवन करूंगी नारी खजान कहा अब तो कई बिन चिंता नहीं है और भीख मांग तो अपने भले थे एक व्यापारी अकेले व्यापारी इनके घरों में और कभी स्त्री खर्च सके थे तो पार्वती जी न हो और तुरंत जवाब देता हो कर जो तुम्हें मदद करो प्रथम ईसा तो घर तो उसे तुम्हारे घर शीशा का पेड़ मिल जाते तो तुम लोग मान लेते मनो अब नहीं कहा मैंने जो गुरु नारद के वचनों पर ध्यान धरो तो भाई आप कई प्रकार का भोलेनाथ के लिए दोष नहीं बताए
पर मैं कहूंगा नारद करूं कि जेसु और आप रखा है सनवार में जेसु तो हम नारद को उपदेश को सिरोधार कर रही है तो मैं नारद को उपदेश नहीं छोड़ूंगी। कहा गुरु के वचन पर जीतना यही और सब जो सुगत सुखी थी कहा गुरु के वचनों पर और जे के लान है विश्वास नहीं है विश्वास नहीं आती उसके लान स्वप्न में भी सुख और शांति और सिद्धियां प्राप्त नहीं होती तो यह गुरु की विशेषता और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण जी की रचना करी जासी कहां से प्राप्त करी गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रतिमय में मेरी गुरु सर सुनी कथा जो शुरू करके वो समझी नहीं तब मैं ग्रहण करती तब कहीं गुरु बारह ही बारह और समझ ही पड़ी कभी मति अनुसार कहा गुरु जी ने बारह बार फिर भी मैं मति के अनुसार थोड़ी समझ में आई जाएगा क्या कथा रामायण वो बहुत ज्ञान की चीज है कहा जाना चाहिए कि श्रोता वक्ता ज्ञान युद्धी कथा रामे के गुण और किम समझू मैं जीव जड़ कहा मैं का और जो पापी हूँ मूल बुद्धि का कहा जागरण श्रोता और वक्ता ज्ञान के भंडार चाहिए मनो भाषा भक्त करूँ मैं सोई मोरे मन प्रतीत रसोई रसोई कहा मैं भाई गुरु की सुनी हुई कथा के लाने भाषा भक्त कर जिस प्रकार से मेरे लाने जाको ज्ञान हो गया जाके बाद में अब राम वनवास बहुत हुआ तो महाराज दशरथ जी खत्म हो गए थे तो कोई जावे तैयार न हो काश्मीर मामियाओं ने काश्मीर जावे तैयार लोग भरत जी से जैसे ही किया है कि राम को वनवास हो पिता जी स्वर्गवास चले गए तो कोई मुझे ये सब सच है तो गुरु जी बोले कि ये काम करियो कि भरत कुल भक्ति में तो समझदार है तुम तो जान के कही कह रहे हो तो इतना कहो भरत सन जारी और गुरु बुलाए पर गुरु भाई कई सबके मेरो नाम भजन गुरु जवाब भरत के जवाब नहीं दे सके का जो झापका भी खट्टा हुआ का कारण है कैसी दौलत पर व्यक्ति है कि तू एक अच्छी नहीं कहते नहीं कहते गुरु ही बुलाए कितने को कह दे तो यही मेरी सोच है तो भरत मन है और धावन पहुंचे जाए और गुरु मनु शासन श्रवण सुनी और चले गए इस प्रकार से जो कई प्रकार के मतों का जो शंकर जी के अभिषेक स्मृति रात के कई प्रकार के खराब सपना होते और इसी प्रकार से सोच करते का अयोध्या में न जाने का हो रखा तो जिनके मन में पहले से विचार था मनुष्य के बाद में तू तो नहीं था आप चला तो गुरु महाराज ने बुलाई तो गुरु महाराज की आज्ञा और एक ऐसी होते चेला के धाम है जहाँ पर जवाब नहीं कहो जावे पूछ ही नहीं जावे तो बिना कानून से सुनी का गुरु मन शासन स्तर मन सुनी तो चल एक गणेश बना जैसे ही कानों से सुनी तो रथ पे बैठ कर तो ये युद्ध आया गया तो गुरु महाराज को एक आदेश है और ऐसा होता है और भगवान राम ने गुरु की बहुत विशेषता बताई है कहा लंकापुरी में जब मैंने युद्ध करे तो गुरु वशिष्ठ को पूछ हमारे इनकी कृपा धनुज रनवाणी हमने जो गुरु वशिष्ठ है ये हमारे गुरु गुरु इन्हीं की कृपा से पूरे राक्षसों को संहार कर तो गुरु की विशेषता और एक ऐसी विशेष बताई है कि गुरु की सब और तीन जगह नहीं मानने चाहिए कहाँ कहाँ नहीं मानने चाहिए जैसा है और अपने घर का जो कार्यक्रम है तो गुरु जी के भोजन भय और गुरु जी कहेंगे बेटा भोजन कर तो तुम सभी बैठे रहते हो परिवार को है घर को मेहमान भोजन कर दो तो भारी मानी जाओगे दान दे रहा है तो गुरु की नहीं मानी शुक्राचार्य भोजन तुम्हें बनी दान दे दो तो दान दे रहे तो गुरु की नहीं मानी जा रहा है तो बार बार मुनि आज्ञा दी नहीं रघुवर जाय स्वयं तक दिए नहीं अब विश्वामित्र जी और जो गुरु भक्तजन के जब मांगते रह गए थे तो जिस पौध अवर बार बार की एक दान के तहत बंद नहीं भाई बार बार तुम्हें आज्ञा दी जब भगवान राम से घड़ी घड़ी गई है दो तीन दान जरूर गई हुए जब जिन पौ दबाओ बंद करो कहकर गुरु जी तो बड़े दयालु हो वे तो समझ लेते हैं मैं थको मुंह से जाने को चेला परेशान हूँ तो जो वैसे ही हैरान हुआ सब कुछ मैं पौ दबा रहा हूँ तो वे तो चाहते की हरा रख चाहता हूँ फिर वे तो आज्ञा दे बेटा बात पर तक है तुम तो सो आराम करो तो ये काम बिल्कुल सेवा थोड़ी होगी तो यहाँ से दो तीन बातें ऐसी ही होते हैं तो भाग गुरु जी की एक दान की तहिम नहीं मानी जाए मतलब आज के गुरु कैसे होते हैं का हरे ही शिष्य धन सो बिना हरे ही सो गुरु घोर नरक में पड़े गोस्वामी तुलसीदास जी ने दंड देवे गुरु तक नहीं छोड़ का शिष्य को धन को हरण कर दे और कहता
आप सुख धर्मा दुख का हर है तो ये सब गुरु नरक में पड़त गुरु शिष्य अंधे पर देख कर देखा और एक ना सुना ये नहीं देखा का गुरु और शिष्य में कंडो को लगे यहां धर्म का भाई हिसाब किताब है ये जो अंधे पर भाई के जा गुरु ज्ञान दे पर है तो कई बार को चेला सुन में बारो दिन ज्ञान तो फिर हां अब तो तेरा कोई को चेला सुन में बारो का गुरु जी से ज्ञान प्राप्त हो जाता तो गुरु जी इतने खाते हैं मेरे ज्ञान की प्राप्त नहीं है मैं उपदेश नहीं दे सके तो ये से विपरीत देगी आज की कंडो की इस प्रकार से अब आवाज आगे बढ़ाई नहीं करती ना भगवान की भक्ति जिसके हृदय में उतर जाए तो भरत जी कह रहे के हे भरत वह है राम भक्ति और भगवान राम के चरणों में प्राण काबे तुम्हें लाने और प्राणों के समान वह भक्ति प्यारी है तो कहा तुम्हारे बराबर भाग्यशाली और धर्मात्मा इस धरती में कहा तुम्हारे बराबरी का भक्त और दूसरों पैदा नहीं हुआ मनुष्य
संपद में जाकर धन पैसा और सारी चीजों में तेरा भरपूर हो गए तो वो कई प्रकार के सुख शांति एवं भोग कर तो कई गांव में कई भूत उड़े गांव में भगवान की भक्ति की घर खबर करे और न कोई रिश्तेदार है कोई अपने बारे ज्यादा बेचने वो सुख ही शांति में और भूलो भूलो भरता है मतलब इतना प्रेम माया से करता है जितको संसार से वो नहीं करे तो कई जो अज्ञानी मनुष्य एक तरह वाले वो राम लक्ष्मण जी का लक्ष्मण जी ये तो प्रेम करते का यहाँ तो प्रेम लक्ष्मण जी करते का ये भी लखन ही और जिमी अभी पुरुष चली गई लक्ष्मण जी रामचंद्र जी और सीता जी की ऐसी सेवा करते जैसे अज्ञानी मनुष्य और अपने शरीर की सेवा करे अपने शरीर की सेवा करे जैसे घड़ी घड़ी निर्माण सावन और पेड़ कई प्रकार से जो श्रृंगार करो कई प्रकार से उन्हें कपड़ों में प्रेस करो सजे बजे तो कि अपने शरीर को करते तो कहीं ऐसी लक्ष्मण करते तो जो भी अज्ञानी पता हो और इधर जो भी अज्ञानी पता हो तो कहीं जिस प्रकार से कहीं और जो विषम भोगों में और जो अज्ञानी मूर्ख मनुष्य और सारी चीजें भूल रहते हैं तो कहीं इसी प्रकार से कहीं तुम्हारे भक्ति में तुम्हारे प्रेम में भगवान सब चीजें भूले थे चौपाई पर और हमारे मंडल के संत हमारे त्यागी जी महाराज अर्थ के रूप में मंचासीन होने जा रहे हैं वैसे गति शीघ्र मंच पर होकर के आकर के और अपने वाणी से सभी जनता जनार्दन को उद्बोध करेंगे।
निकाल दिया।